बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौमी भैया आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों, आज का जो रिव्यू है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो बड़ा टाकरा था लेकिन बड़ा टाकरा ना हो सका, उसकी वजह आपको बताते चलें कि जैसे ही पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीता तो बैटिंग करनी चाहिए थी उसको। ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम ने की, उसने भी कहा था कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो जनाब बैटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है। दूसरा ये कि उनकी टीम जो है सिर्फ दो बंदे आउट हुए और 356 स्कोर मार दिया, तो ये पाकिस्तान की टीम वही है जो नंबर वन वनडे की टीम है और 128 के ऊपर आउट हो रही है, तो इसका क्या मतलब है। तो जब आपको पता है कि मौसम भी ख़राब है और आपको टॉस जीत के बैटिंग करनी है, क्योंकि जो बाद में टीम बैटिंग करती है उसके लिए बड़ा परेशानी का बायस बनती है, जिसकी एक मिसाल 92 का वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका की टीम, जो कि टीम टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई थी, तो ये सारा बारिश का कमाल था। तो ये बारिश का कमाल पाकिस्तान को भी आड़े हाथों उसने लिया, और एक ये फैसला कि आप लोग बैटिंग ना करें बल्कि बॉलिंग करें ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे बारिश का इम्कान बेहद मौजूद। और जब बारिश दोबारा से शुरू हो जाती है तो उसका यही तरीका है कि पहले भी आपने जनाब एक एक पॉइंट दिया तो आप भी एक एक पॉइंट दो, फ़र्क करो। लेकिन चूंकि इंडिया को जिताना ज़रूरी था इसलिए ऐसा भी ना हो सका। तो चलें कोई बात नहीं, हम तो गेम को गेम की तरह लेते हैं, लेकिन देखेंगे नेक्स्ट टाइम जनाब, नो प्रॉब्लम।